हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीप्ति पराग शर्मा। स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव माइंड में। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बेबी की पजामी कट करना सिखाऊंगी। ये वीडियो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी जो सिलाई सीखना पसंद करते हैं या फिर जो सिलना तो चाहते हैं पर उनको बिल्कुल भी नहीं आता है, तो आप घर बैठे सीख सकते हैं। इसे मैंने बहुत ही इजी वे में आपको सिखाने की कोशिश की है गाइस, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। ये पजामी कटिंग का मैं आपको फर्स्ट तरीका बता रही हूँ गाइस, मैं अखबार पे बता रही हूँ। आप देख सकते हैं मैंने अखबार को डबल फोल्ड किया है, मतलब जितना मेरी लेंथ है उस हिसाब से मैंने अखबार को रख लिया है। पर अगर हम कपड़े पे रखेंगे तो हमें 4 फोल्ड करना होगा और जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा हम उसे कट कर देंगे, जैसे मैंने इसमें कर दिया है, देख लीजिए। क्योंकि हमें सही मेजरमेंट, अगर हम इसको अखबार को 4 फोल्ड करेंगे तो हमारा नाप सही नहीं आएगा, वो छोटी पजामी बन जाएगी, इसलिए हमने इसको सिंगल फोल्ड किया है। पर आप कपड़े को 4 फोल्ड में रखें, उसके बाद सारा प्रोसीजर यही होगा। आप देख सकते हैं ये मैंने डबल फोल्ड किया और ये जो बंद वाला हिस्सा है ये हम कपड़े के इस साइड रखेंगे, यानी कि मैं अखबार पे बता रही हूँ तो। और यहाँ पे जहाँ पे अपनी पजामी रखी है उससे ऊपर 2 इंच आप छोड़ देंगे एक्स्ट्रा कपड़ा, और ऐसे ही आप नीचे की साइड भी एक्स्ट्रा 2 इंच कपड़ा छोड़ेंगे और बाकी का जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे हम कट कर देंगे। पर यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं है, अखबार इतना ही है, इसलिए बिल्कुल इसको मिलाते हुए हम रखेंगे। याद रखिए गाइस, जितनी आपकी पजामी है उतना ही आपको नीचे की साइड छोड़ना है, उससे एक्स्ट्रा 2 इंच नीचे की साइड छोड़ना है और आपको ये नीफा बनाने के लिए ऊपर 2 इंच छोड़ना है। अब आप देख लेंगे कि ये जो बंद वाला हिस्सा है ना, वो वाला हिस्सा आपको यहाँ रखना है। और ये जो खुली जगह दिख रही है गाइस, ये इसलिए है क्योंकि रबर डली हुई है तो ये श्रिंक हो गया है, इसलिए तो आपको उसको ध्यान में रखना है, उसको कट नहीं करना है। यहाँ पे हम लाइन लगा लेंगे जो हमारा मेजरमेंट है दोनों साइड, और दोनों साइड जो फिनिशिंग की लाइन है वो लगाने के बाद हम जो पजामी का शेप है वो ड्रॉ करेंगे। आप देख सकते हैं हमने यहाँ से स्ट्रेट लाइन की है, आपको अंदर की साइड नहीं करना है क्योंकि पजामी में रबड़ पड़ी हुई है इसलिए वो श्रिंक है, अगर आप खींच के देखेंगे तो उसके बराबर आएगा। अब आप ध्यान दें कि हमने यहाँ पे जो निशान लगाया था पजामी के बराबर बराबर, अब उससे दूरी पे हमें 1 इंच या 1.5 इंच का निशान लगाना है गाइस। ये हमारी कटिंग के लिए निशान है, पजामी के साथ में जो निशान लगवाया था वो एक शेप बनाने के लिए करवाया था। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे 2 मार्क लिए हैं, अब हम इसे कट कर लेंगे। पजामी से नाप लेने के बाद भी हमारी गलती हो जाती है, वो गलती किस लिए होती है मैं बताती हूँ। क्योंकि जो पजामी का नाप होता है हम सिर्फ उसको ड्रॉ करते हैं और कट कर देते हैं, एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेते और ना ही हम ऊपर की साइड नेफे के लिए और ना ही नीचे की साइड छोड़ते हैं, तो फिर हमारी पजामी सिलने के बाद गलत नाप में आती है। आप इस तरीके से काटेंगे तो बिल्कुल सही आएगी। सेकेंड टाइप के लिए मैं आपको बताती हूँ मेजरमेंट लेना। हम वापस से अखबार को रखेंगे, अखबार को हमने डबल फोल्ड में रखा है लेकिन कपड़े को हम 4 फोल्ड में रखेंगे गाइस, ठीक है। आपका जो भी लेंथ होगी उसमें आप 3 या 4 इंच प्लस कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग वाली वीडियो में बताया था 2 इंच नीचे के लिए और 2 इंच ऊपर से। फिर जो ये हिस्सा छोड़ने के बाद जो बीच का हिस्सा होता है वो होगा हमारा, हमारा जो नाप होता है एक्चुअल नाप, वो नाप होगा ये बीच का हिस्सा। अब देखते हैं इसके बाद हमें क्या करना है। लेंथ लेने के बाद हम कमर का नाप लेंगे। यहाँ पे मैं 6 इंच रख रही हूँ, 6 इंच इसलिए रख रही हूँ क्योंकि अगर मेरी बेबी का जो नाप है वो है 24 इंच कमर का पूरा, तो उसका मैं चौथाई हिस्सा रख रही हूँ क्योंकि हमने कपड़े को 4 फोल्ड किया है, चौथाई हिस्सा हुआ 6 इंच। 6 इंच पे जहाँ मैंने निशान लगाया वहाँ से मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा लूँगी, वो 1.5 इंच जो एक्स्ट्रा है वो हमारा कटिंग का और सिलाई का मार्जिन होगा। ऐसे ही आपकी जो भी कमर का नाप हो आप उसका चौथा हिस्सा रखें और उसमें सिलाई के लिए 1.5 या 2 इंच प्लस कर सकते हैं। अब बारी आती है नीचे आसन की, उसके लिए मैं यहाँ पे 7 इंच ले रही हूँ, तैयार आसन होगा 8 इंच, तो मैं आपको आगे बताती हूँ कि 8 आएगा कैसे। यहाँ पे मैंने 7 रखा है, छोटे बच्चों के लिए 6, 5, 7 कोई भी नाप चल जाता है, आधा इंच सिलाई में चला जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो 7 ही इंच है। आप सोच रहे हैं 8 कैसे होगा, 8 मैं आपको बताऊँगी। और ये वाला हिस्सा जो होता है गाइज ये होता है हिप साइज़ हमारा, लेकिन हमें बच्चे के लिए हिप साइज़ की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है, हम ऐसे ही बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने 7 इंच का निशान लगाया था, वहाँ पे स्केल को रख के मैं एक स्ट्रेट लाइन खींच लूँगी पहले, आप देख रहे हैं, और ये लाइन खींचने के बाद मैं यहाँ से जो आपको ये पॉइंट दिख रहा है ना गाइस, यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखूँगी। छोटे बच्चे का है तो मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखूँगी और अगर बड़े का है तो आप उसमें 2 या 3, वो साइज़ के हिसाब। अब ये जो मैंने 1.5 इंच बताया ना गाइस, इसमें से आधा इंच सिलाई में चला जाएगा और 1 इंच जो बचेगा वो 7 इंच में प्लस हो जाएगा, तो 8 इंच बच जाएगा। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो मैंने निशान लगाया था उसके बीच में एक
कॉर्नर से मैं हाफ इंच का एक छोटा सा निशान स्ट्रेट लाइन खींच रही हूँ, तिरछी लाइन खींच रही हूँ एक्चुअली, और यहाँ से मैं हल्का सा कर्व दे रही हूँ। आपको कर्व हल्का सा ही देना है गाइस, अंदर की साइड नहीं देना है, इसे क्रॉच एरिया कहते हैं, आप म्यानी वाली जगह या आसन कह सकते हैं। अब हम आ जाते हैं नीचे की साइड, मैंने अपने बेबी के साइज़ के हिसाब से इसे पोंछा कहते हैं, ठीक है। जो नीचे का हमारे पैर के साइड वाला हिस्सा होता है, मैंने 5 इंच रखा है, आप जितना खुला रखना चाहें उतना रखेंगे, और वहाँ से यहाँ क्रॉच एरिया तक आप एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे जैसे मैंने खींची है, और इसे आप हल्का सा अंदर की साइड गहराई भी दे सकते हैं गाइस। मैं अपनी बेबी के लिए लूज़ पजामे बना रही हूँ, फिटेड नहीं बना रही हूँ। अगर आप फिटिंग चाहते हैं तो हल्की सी अंदर की साइड से आप कर्व कर सकते हैं, और फिर हम इसे कट कर लेंगे। अब आ जाते हैं हम कपड़े के पास। यहाँ पे मैंने कपड़े को 4 फोल्ड रखा है। अखबार को हम नहीं रख सकते थे गाइस क्योंकि वो थोड़ा होता है, आप कपड़े को 4 फोल्ड रखेंगे जैसे मैंने रखा है, कोई भी कपड़ा हो आपके पास, और आप फिर ये अखबार जो आपने कटिंग की है वो रख लेंगे। बंद वाली साइड बंद की साइड रहेगा, और ये जो क्रॉच एरिया वाला साइड होता है ये ओपन साइड रहेगा, जैसे कपड़े में मैं बता रही हूँ। अब यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे गाइस। गाइस ये तो छोटा मेजरमेंट था तो हमने अखबार पे काट लिया, अगर कुछ बड़ा होगा तो कैसे करेंगे? इसके लिए आपको सिर्फ सीखना है अखबार पर कटिंग आपको कपड़े पे ही करनी है, कपड़े पे ही मेजरमेंट लेंगे तो जल्दी सीखेंगे। अब हम यहाँ से दोनों साइड से मोड़ने वाला एरिया है, और यहाँ से इसे सिलना है, लेकिन उससे पहले इसे हम इसे खोल लेंगे और अब सिलाई करेंगे। अब मैं यहाँ पे सिलाई कर रही हूँ गाइस। मैंने आपको 2 तरीके से कटिंग बताई है, लेकिन ज़रूरी ये है कि आपको कटिंग का मेज़रमेंट लेना भी आना चाहिए। पजामी रखकर तो हम कर सकते हैं किसी भी टाइप की, कितने भी बड़े कपड़े की सिलाई कर सकते हैं, लेकिन मेज़रमेंट लेना ज़रूरी है, इसके लिए आप सीखिए। अब देखिए मैंने एक साइड सिलाई कर ली, इस साइड से हमें ऊपर रखना है, और सिलाई करने के बाद ये कुछ इस तरीके से लगेगा। मैं आपको फोल्ड करके दिखाती हूँ ऐसे, लेकिन इसके लिए हमें इस साइड थोड़ा सा कॉर्नर से यहाँ पे मोड़ते हुए सिलाई लगानी है, और ये सारी पट्टी को हम अंदर की साइड मोड़ते हुए पूरे में सिलाई लगा देंगे। कॉर्नर आपको दोनों साइड से मोड़ने का, ये वही वाला पार्ट है जो हमने कहा था ना 2 इंच हमें ऊपर की साइड छोड़ना है, इसके अंदर ही हम रबर डालते हैं गाइस। आप ये रबर नाड़ी की तरह डाल के और फिर इसे खींचते हुए सिल भी सकते हैं, बट मैं सिलती नहीं हूँ, मैं आपको आगे दिखाऊंगी। एक्चुअली मैं उसे नाड़ी की तरह डालती हूँ। अब इसे हम वापस से उसी शेप में फोल्ड कर लेंगे और इस साइड सिलाई लगा लेंगे। अब ये दोनों साइड सिलाई लग गई है, और इसे हम खोलेंगे तो ये कुछ इस टाइप के लुक में आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल प्रॉपर पजामे का जो लुक है उस टाइप से ये आ गया है, और ये जो हिस्सा हमने मोड़ा था ना कॉर्नर, वो इसलिए मोड़ा था ताकि इसके अंदर से रबड़ क्रॉस हो सके, ठीक है गाइस। अब नीचे से ये जो हमने 5 इंच वाला हिस्सा रखा था, ये मोहरी, इसको मोहरी कहते हैं, ये हिस्सा है, इसको अंदर की साइड मोड़ेंगे और पूरे में सिलाई लगा देंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने पूरे में सिलाई लगा दी है। अब एक पिन की हेल्प से मैं ये रबड़ इसके अंदर डालूंगी। मैं कनकी पजामे में अक्सर नाड़ी की तरह से ही रबड़ डालती हूँ गाइस। आपको जितनी आपकी कमर है उससे 3 या 4 इंच आपको कम रखनी है रबड़, मतलब कटिंग कर ले और उतनी रबड़ आप डाल के या तो गांठ लगा सकते हैं या फिर आप सिल सकते हैं, जैसे मैं सिल रही हूँ यहाँ पे। आप देख ले फिर ये कुछ इस तरीके से लगेगा। अब मैं इसे आपको सीधा करके दिखाती हूँ गाइस। अगर आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपको काफ़ी कुछ सिलना आ जाएगा। ये वीडियो सिर्फ लाइक्स के लिए नहीं है, ये सिर्फ सिखाने के लिए, जितना मुझे आता है मैं आपको सिखा रही हूँ। और आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने खनक को पहनाया है, बिल्कुल एकदम फिट आई है उसको, कंफर्टेबल है वो, आप देख सकते हैं। आप भी इजीली अपने बच्चों के लिए बना सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है गाइस, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ती है, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। तो अगर आपको समझ में आया हो तो मुझे ज़रूर बताना। तो देखा गाइस कितना आसान था पजामी नापना, कटिंग करना और स्टिचिंग करना। गाइस कोशिश करेंगे तो आपको डेफिनेटली आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और आगे शेयर करें। और एक और बात, अगर आपको वीडियो में कोई चीज़ भी समझ नहीं आती है या कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो वीडियो देखिए, अभी सीखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।